सुप्रभात बच्चों, कक्षा पांचवी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ आठ, मामा जी को पत्र। पुस्तक का नाम अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान एक। बच्चों, आज हम व्याख्यान एक में पाठ आठ, मामा जी को पत्र पढ़ेंगे। पाठ में आए मुख्य प्रश्न व अभ्यास कार्य को भी जानेंगे। सुंदरपुरा, 25 सितंबर 2018। आदरणीय मामा जी, सादर प्रणाम। हम सब यहाँ ठीक हैं, आप लोग कैसे हैं मामा जी? मैं चौथी कक्षा से पांचवी कक्षा में आ गई हूँ। कक्षा में मेरा दूसरा नंबर आया था। मेरे टीचर कहते हैं कि यदि मैं और मेहनत करती तो पहले नंबर पर भी आ सकती थी। 15 अगस्त को मेरे बनाए मॉडलों को देखकर सरपंच जी ने मेरी पीठ खूब थपथपाई थी। प्रभात फेरी के समय मैं सबसे आगे चल रही थी और मैंने नारे भी लगाए थे, भारत माता की जय। हमने झांसी की रानी नाटक भी किया था। मैं ही झांसी की रानी बनी थी। मुझे अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने में बड़ा मज़ा आया। मेरे कक्षा अध्यापक जी ने कहा कि हम उस नाटक को गांव में भी करेंगे। अब मैं गणित के सभी सवाल सही कर लेती हूँ। गणित के गुरुजी कभी कभी तो मुझे पूरी कक्षा के सवाल जांचने का काम भी दे देते हैं। कभी कभी मैं प्रार्थना सभा में बोलती हूँ तो पहले डर लगता है, पर फिर बोलने लगती हूँ तो बोलती जाती हूँ। मेरे साथी कहते हैं कि मुझे सबके सामने बोलना आ गया है। मामा जी, मेरे हिंदी के गुरुजी कहते हैं कि यदि मैंने इसी तरह मेहनत की तो मैं 10वीं तो क्या MA भी पास कर सकती हूँ, पर माँ कहती है कि तू इतनी मेहनत करके पढ़कर क्या करेगी, अब घर के कामकाज किया कर, अगले साल से तेरी पढ़ाई बंद। पर मामा जी, मैं तो अभी पढ़ना चाहती हूँ। भैया की तरह माँ ने उन्हें चाचा जी के पास पहाड़गंज नई दिल्ली में आगे पढ़ने भेज दिया है। मैं भी भैया के साथ रहकर पढ़ लूँगी। मामा जी, माँ आपकी बात बहुत मानती है, आप उन्हें समझाइए ना कि वे मुझे भी आगे पढ़ने दें। माँ मान गई तो वे पिताजी को भी मना लेंगी। मामा जी, आप जल्दी आना, मामी को भी साथ लाना, सुभाष और गुड्डी को भी साथ लाना, नाना जी व नानी जी को मेरा चरण स्पर्श कहना। बाकी यहाँ सब ठीक है, आपके पत्र के इंतज़ार में आपकी प्यारी भांजी दीक्षा। श्री चंद्रकांत भारद्वाज, ग्राम मोहनपुरा,
डाक खाना नजफगढ़, जिला गुड़गांव, हरियाणा, पिन कोड 3020019। कठिन शब्द। बच्चों, पाठ में आए कठिन शब्द हैं, नंबर 1 सादर, नंबर 2 प्रणाम, नंबर 3 पांचवी, नंबर 4 मेहनत, नंबर 5 मॉडल, नंबर 6 सरपंच, नंबर 7 प्रभात फेरी, नंबर 8 झांसी, नंबर 9 नाटक, नंबर 10 अध्यापक, नंबर 11 है प्रार्थना, नंबर 12 है स्पर्श, नंबर 13 है अगस्त, नंबर 14 है गणित, नंबर 15 है भैया, नंबर 16 है पीठ, नंबर 17 है कहाँ, नंबर 18 है दिल्ली, नंबर 19 शिक्षक, नंबर 20 दीक्षा। मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, अब हम पाठ में आए मौखिक प्रश्नों को जानते हैं। प्रश्न 1 है, पत्र किसने किसको लिखा है? इसका उत्तर है, पत्र दीक्षा ने अपने मामा जी को लिखा है। प्रश्न नंबर 2 है, पत्र कहाँ से कहाँ पर भेजा गया है? इसका उत्तर है, पत्र मोहनपुरा से सुंदरपुरा भेजा गया है। प्रश्न नंबर 3 है, सरपंच जी ने किसकी पीठ थपथपाई? इसका उत्तर है, सरपंच जी ने दीक्षा की पीठ थपथपाई। प्रश्न नंबर 4 है, प्रभात फेरी के समय दीक्षा ने कौन से नारे लगाए? इसका उत्तर है, प्रभात फेरी के समय दीक्षा ने भारत माता की जय के नारे लगाए। प्रश्न नंबर 5 है, दीक्षा किसकी तरह पढ़ना चाहती है? इसका उत्तर है, दीक्षा अपने भैया की तरह पढ़ना चाहती है। निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों को छांटकर उनकी तालिका में लिखिए। कुछ शब्द दिए गए हैं संज्ञा और सर्वनाम के, हमें उन्हें छांटकर संज्ञा और सर्वनाम की तालिका में लिखना है। शब्द हैं, मामा, मैं, उसे, कक्षा, टीचर, दीक्षा, गुड़गांव, तू, तेरी, भैया, उन्हें, वह। संज्ञा शब्द हैं, जो भी नाम होते हैं वो सभी संज्ञा शब्द हैं, और बच्चों जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हों उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। मामा संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है मैं। कक्षा संज्ञा शब्द है, उस सर्वनाम शब्द है। टीचर संज्ञा, तू सर्वनाम। दीक्षा संज्ञा, तेरी सर्वनाम। गुड़गांव संज्ञा, उन्हें सर्वनाम। भैया संज्ञा, वह सर्वनाम। नंबर 6, इका और इन पर तय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाइए। अध्यापक अध्यापिका, सेवक सेविका, शिक्षक शिक्षिका, नायक नायिका, माली मालिन, पड़ोसी पड़ोसिन, लोहार लुहारिन, सुनार सुनारिन। नंबर 6, दिए गए शब्दों में से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा छांटकर
उनकी तालिका में लिखिए। शब्द हैं बच्चा, दिल्ली, घोड़ा, नदी, सोहन, कमल, सुभाष चंद्र बोस, पहाड़, पक्षी, हिमालय। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चा जातिवाचक संज्ञा है, दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है, घोड़ा जातिवाचक, सोहन व्यक्तिवाचक, नदी जातिवाचक संज्ञा, कमल व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहाड़ जातिवाचक संज्ञा, सुभाष चंद्र बोस व्यक्तिवाचक संज्ञा, पक्षी जातिवाचक संज्ञा, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिखित प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, टीचर ने दीक्षा को कक्षा में दूसरे स्थान पर आने के बाद क्या कहा? इसका उत्तर है, टीचर ने दीक्षा को कक्षा में दूसरे स्थान पर आने के बाद कहा कि यदि तुम और मेहनत करती तो पहले नंबर पर भी आ सकती थी। प्रश्न नंबर दो है, 15 अगस्त को दीक्षा ने क्या क्या किया था? इसका उत्तर है, 15 अगस्त को दीक्षा ने मॉडल बनाया, भारत माता की जय का नारा लगाया और झांसी की रानी नाटक भी किया। प्रश्न नंबर तीन है, दीक्षा आगे पढ़ने के लिए किसे माँ को मनाने की बात कहती है? इसका उत्तर है, दीक्षा आगे पढ़ने के लिए मामा जी को माँ को मनाने की बात कहती है। प्रश्न नंबर चार है, प्रार्थना सभा में दीक्षा किस तरह बोलती है? इसका उत्तर है, प्रार्थना सभा में दीक्षा पहले तो डरती है लेकिन फिर बोलने लगती है और बोलती जाती है। बच्चों, पाठ आठ, मामा जी को पत्र, व्याख्यान एक, गृह कार्य। कक्षा में कराए गए कठिन शब्द अपनी कॉपी में सुंदर लेख में लिखो। धन्यवाद।